अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने पढ़ना है सोर्सेज एंड यूजेज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कहाँ से हैं, यानी कहाँ कहाँ से हासिल किए जाते हैं, उसके बाद हम उनके इस्तेमालात पढ़ेंगे यानी यूजेज़ कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले लिखा था कार्बोहाइड्रेट रेंज फ्राम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन। हमने कहाँ से पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की तीन ब्रांचेज थी, मोनोसेकराइड, डाइसेकराइड यानी ओलिगोसेकराइड जिन्हें कहते हैं, और तीसरा था पॉलीसेकराइड। मोनो का मतलब सिंगल शुगर, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, सैकराइड मतलब शुगर। इसी तरह ओलिगोसेकराइड को डाइसेकराइड भी कहते हैं, यानी वो जिनमें दो शुगर होती हैं उनको डाइसेकराइड, ट्राइसेकराइड वो होते हैं जिनमें तीन शुगर होती हैं, टेट्रासेकराइड जिनमें चार शुगर होते हैं। इसलिए ओलिगोसेकराइड में कितने होती थी, टोटल 2 to 9 यूनिट ऑफ शुगर होते थे जो आपस में कम्बाइन करते थे। तो इस तरह से हमारे पास 9 शुगर भी आपस में मिल जाएँ तब भी ओलिगोसेकराइड बनाती हैं, तो हमने यानी कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। और इसके बाद आ जाते हैं पॉलीसेकराइड। पॉलीसेकराइड में क्या होता था, 1000 ऑफ शुगर मिल जाती थी आपस में, ठीक है, पॉलीसेकराइड यूँ बनता था। तो इसलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रेंज फ्राम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन, दे हैव वेरीड सोर्स एंड यूजेज़। इनके मुख्तलिफ सोर्सेज और मुख्तलिफ यूजेज़ हैं। सोर्सेज ऑफ अ सिंपल शुगर डैट इज़ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज आर फ्रूट, वेजिटेबल, हनी एंड सीरियल्स। जो सिंपल से शुगर्स हैं इनको हमें, हमारे पास जो फ्रूट्स हम खाते हैं उनमें भी शुगर मौजूद होती है, इसके अलावा जो हम खाना वगैरह खाते हैं उनमें भी शुगर मौजूद होती है, इसके अलावा हम दूध जो पीते हैं उनमें भी शुगर मौजूद होती है, सब्जियां खाते हैं उनमें भी शुगर मौजूद होती है, हनी में तो वैसे ही शुगर मौजूद होती है। तो हम इसकी तीन ब्रांचेज़ बना लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन सी यूजेज़ हैं। जी, यहाँ पर मैंने तीन ब्रांचेज़ बनाई हैं, पहले हमारे पास मोनोसेकराइड, फिर ओलिगोसेकराइड और फिर है पॉलीसेकराइड। सबसे पहले हम मोनोसेकराइड में जाते हैं। मोनोसेकराइड में कौन कौन से हो सकते हैं, कि मोनोसेकराइड में हमारे पास थी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, फ़िलहाल हम यही लिख देते हैं, इसके अलावा भी देख लेंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं। हम इसको साथ साथ बुक में रीड करते जाते हैं और मज़ीद जितने भी आएंगे साथ साथ नोट करते जाएंगे। सबसे पहले वो कहता है कि फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये हमारे पास तीन सोर्सेज हैं। हम उधर गैलेक्टोज भी गैलेक्टोज यानी हमारे पास तीन यूनिट हो गए, एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रुक्टोज और तीसरा गैलेक्टोज। इन तीनों के बारे में उसने क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर, लिखा हुआ है कहते हैं कि ये जो हमारे पास है वेजिटेबल, हनी, सीरियल्स और फ्रूट्स वगैरह से हासिल होते हैं, यानी ये तीनों चीज़ें हमें फ्रूट्स वगैरह से हासिल होती हैं। जबकि हमारे पास ओलिगोसेकराइड में मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास डाइसेकराइड, डाई का मतलब होता है दो शुगर वाले, ओलिगोसेकराइड की डेफिनेशन क्या आती है, इसमें 2 to 9 यूनिट ऑफ मोनोसेकराइड होते हैं, 2 to 9 यूनिट ऑफ मोनोसेकराइड होते हैं। तो अगर जिनमें दो शुगर्स होंगी यानी 2 यूनिट होंगे तो हमारे पास डाइसेकराइड होगा, जिनमें तीन होंगे तो जिनमें ट्राइसेकराइड होगा। हम यहाँ पर सिर्फ डाइसेकराइड को रीड करेंगे, DISACCC डाइसेकराइड्स। अब डाइसेकराइड जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं कौन कौन से लिखे हुए हैं, डाइसेकराइड में हमारे पास सुक्रोज जो हम अच्छी तरह जानते हैं, जो हमने खुद रीड भी किया है उसको अच्छी तरह, सुक्रोज, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास लिखा हुआ है डाइसेकराइड में वो हमारे पास है लैक्टोज, और थर्ड जो है हमारे पास वो है माल्टोज, ठीक है, ये तीन हमारे पास यूनिट उधर लिखे हुए हैं। अच्छा, अब सुक्रोज के बारे में वो क्या लिखता है, सुक्रोज हमने ऊपर एक एग्जांपल भी पढ़ी थी C12H22O11, यानी डाइसेकराइड वाले में ही हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी। सुक्रोज तो हमारे पास दो तरह की शुगर से मिलकर बनता होता है, एक तो हमारे पास उसके अंदर होती है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जो होती है वो हमें बनाती है शुगर, वो सुक्रोज बनाती है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलकर शुगर बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लैक्टोज। लैक्टोज हमारे लिए, ये भी हमारे पास एक डाइसेकराइड होता है, डाई का मतलब दो शुगर वाला होता है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी होती हैं शुगर्स, एक तो इसके अंदर भी ग्लूकोज होता है, इसके अंदर दूसरा जो होता है वो हमारे पास गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज, ठीक है, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं तो हमारे पास लैक्टोज बनता है। थर्ड हमारे पास है माल्टोज, माल्टोज भी हमारे पास दो शुगर से मिलकर बनता है, और दोनों की दोनों क्या होती हैं, एक तो ग्लूकोज और दूसरा भी ग्लूकोज, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा मोनोसेकराइड में हमारे पास थी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। अब जो सुक्रोज था हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता था, लैक्टोज जो था वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता था, माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और
ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज से मिलकर बनता है। अब इनकी आ जाते हैं कि अभी हमें फाइंड कहाँ से होते हैं, मिलते कहाँ से हैं। सुक्रोज तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास सीरियल्स वगैरह होते हैं, यानी कि यही सुक्रोज हमारे पास ये ग्लूकोज से मिलकर बनता है और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। फ्रुक्टोज फ्रूट वगैरह में होते हैं, सीरियल वगैरह में होते हैं, इन्हीं से आ जाते हैं हमारे पास। ग्लूकोज की यहाँ पे भी हमारी बात बात होगी, गलेक्टोज की बात होनी है कि कहाँ से मिलते हैं। लैक्टोज का असल में मतलब होता है दूध, ठीक है, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर जो शुगर होती है उसको हम लैक्टोज शुगर कहते हैं। असल में गलेक्टोज जो है वो ये दूध के अंदर पाई जाने वाली शुगर है, तो इस तरह से ये वाली शुगर यहाँ पर पाई जाती है। इसी तरह यहाँ पर जो ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी माल्टोज जो है ये हमारे पास ज़्यादातर सीरियल्स वगैरह में पाए जाते हैं, यानी ये जो हमारे पास दालें वगैरह होती हैं इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम पॉलीसेक्राइड पे। पॉलीसेक्राइड में हमारे पास जो इसकी ब्रांचेज हैं उसमें हमारे पास स्टार्च लिखा हुआ है, सेलुलोज लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यही लिखे हुए हैं, दो इसकी दो ब्रांचेज लिखी हुई हैं, स्टार्च और सेलुलोज। तो कहते हैं पॉलीसेक्राइड आर द स्टार्च फाउंड इन द सीरियल क्रॉप्स, फसलों वगैरह में, वीट, गंदम में, बारले, मेज़, मकई वगैरह में। इसके अलावा कॉटन इज़ द प्योर सेलुलोज, यानी स्टार्च तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में, सेलुलोज की आमतौर पर आपने बायो में भी पढ़ा होगा, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बायो में भी पढ़ा होगा कि सेलुलोज की सेल वाल होती है, ठीक है, सेलुलोज से सेल वाल बनी हुई होती है, यानी ये बहुत बारीक सी एक लेयर होती है। तो इसी तरह हमारे पास जो कॉटन है इसके अंदर जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो कॉटन है। कॉटन हमारे पास बिल्कुल सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है, कॉटन जो होती है हमारे पास, कपास जो होती है वो सेलुलोज होती है, बिल्कुल लेयर यानी बारीक से लेयर जिसके हम बना सकते हैं। जबकि स्टार्च हमारे पास क्या है, बहुत सारी क्रॉप्स, फसलें, मकई वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्च में शामिल होती हैं। ये तो हमारे पास हो गए सारे सोर्सेज। अगर आप इसी तरतीब में इनको नोट करेंगे, जैसे इस तरतीब में लिखा हुआ है, इसी तरतीब में इनको नोट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि ऐसे ही नोट करें तरतीब में। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो कहते हैं कि इसके सोर्सेज तो हो गए, अब इसके बाद यूजेस बतानी है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉलीसेक्राइड वाली लाइन है, ये हमारे पास ये वाली एग्जांपल, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, ये तीनों हमारे पास डाइसेक्राइड्स की एग्जांपल हैं। और फर्स्ट जो हमारे पास लिखी हुई थी यहाँ से, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये जो पहला पैराग्राफ है ये हमारे पास मोनोसेक्राइड की एग्जाम्पल हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद हम हमारे पास आ रहे हैं इसके यूजेज हमारे पास इस जगह से स्टार्ट हो रहे हैं यूजेज। तो हमारे कहते हैं आवर बॉडी यूजेज कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारी जो बॉडी, हमारा जिस्म जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की शक्ल में लेती है। ग्लूकोज इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डैट इज़ यूज डायरेक्टली बाय द मसल फॉर एनर्जी। कहते हैं ग्लूकोज ही एक ऐसी शक्ल है जिसको हमारी बॉडी जो है बिल्कुल मसल के लिए इस्तेमाल करती है, यानी अगर अपने मसल अपने मजबूत करने हैं तो हमें इस तरह के सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल और हनी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए ताकि हमारे मसल मजबूत हों। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट डैट द ब्रेन नीड ग्लूकोज एंड एज एन एनर्जी सोर्स बिकॉज इट कैन नॉट यूज़ फैट फॉर दिस पर्पज़। लेकिन अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए आपको इस तरह की चीज़ें खाने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो डायरेक्टली ग्लूकोज को नहीं लेता, ग्लूकोज से जो एनर्जी हासिल होती है उसको हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है, क्योंकि इट कैन नॉट यूज़ फैट फॉर दिस पर्पज़, क्योंकि ये हमारे ये जो होती है ग्लूकोज हमारे अंदर फैट्स भी पैदा करती है, तो इस वजह से हमारा दिमाग जो होता है इसको डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज होती है वो हमारे मसल डायरेक्टली लेते हैं, जबकि हमारा दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है, वो डायरेक्टली इसको नहीं लेता। कहते हैं बिसाइड द एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल कार्बोहाइड्रेट आल्सो प्रोवाइड फॉलोइंग यूजेज टू आवर बॉडी। सबसे पहले लिखा हुआ है दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। सबसे पहले तो ये हमारे अंदर जो शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, पता ही है कि आजकल बहुत सारे इंसानों को शुगर हो जाती है। शुगर होती कैसे है, हम वो कहते हैं खाना खाने से भी शुगर हो सकती है, फ्रूट खाने से, ये सारी शुगर्स तो हैं हमारे पास, फ्रूट सारे शुगर हैं, ये हनी तो वैसे ही शुगर है, सीरियल्स, फ्रूट वगैरह सब कुछ हमारे पास ये शुगर मौजूद है, दूध भी हमारे पास शुगर में मौजूद है। तो लाजमी बात है शुगर की मिकदार वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी मिकदार को कम करने के लिए हमारे अंदर इंसुलिन पैदा होती है। अगर वो इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो उस वो शख्स जो होता है पेशेंट हो जाता है कि हाँ भी उसको इंसुलिन बाहर से लेकर लगवानी पड़ती है, जबकि उसके अंदर जो इंसुलिन बन रही होती है वो बनना ख़त्म हो चुकी होती है। कहते हैं दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी, लो शुगर लेवल इन द बॉडी द रिज़ल्ट इज़ द हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर हमारे पास शुगर जिन लोगों की लो होती है उसके अंदर उस बीमारी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जिसकी लो शुगर लेवल होगा,
नंबर टू है दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक दैट हेल्प इन द डाइजेशन। हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है यानी हमारी आंतें जो होती हैं उनके अंदर हमें कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हज़म करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो हमारे पास शुगर्स वगैरह जो होती हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होते हैं, ये उनको उन बैक्टीरिया को ताकत दे दें ताकि हमारी वो डाइजेशन अच्छी हो सके, ताकि हम अच्छी तरह से खुराक को हज़म कर सकें। कहते हैं डाइट्री फाइबर हेल्प टू कीप द बाउल फंक्शन प्रॉपरली। डाइट्री फाइबर हमारे पास मुख्त किस्म के फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स यानी एक ये भी एक तरह से ट्यूब्स या लेयर्स की तरह की कह सकते हैं। जिस तरह सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी जो मैं देता होता हूँ वो है इस बोल का जो छिलका जो खा लोग लेते हैं, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। वरना हमारे पास फ्रूट्स में मुख्त चीज़ों में ये मौजूद होती हैं। तो कहते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे बाउल फंक्शन यानी हमारे अंदर जो हाजमे के लिए जो होते हैं बाउल फंक्शन उसको प्रॉपरली फंक्शन करती हैं। इसमें फाइबर हेल्प इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड द रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। और इसके अलावा इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहता है। फिफ्थ है और आखिरी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटेक्ट आवर मसल फ्रॉम क्रैम्पिंग। कार्बोहाइड्रेट के जरिए हमारी जो मसल होती हैं उनको क्रैम्पिंग से भी बचाया जाता है। क्रैम्पिंग यानी अक्सर लोगों की रगें चढ़ जाती हैं या फिर मसल में कोई ना कोई दर्द शुरू हो जाता है या ऑटोमेटिकली वो जो है इनवॉलेंट्री जो होते हैं वो खुद ब खुद यानी वो हिलने लग जाती हैं, क्रैम्पिंग करने लग जाती हैं। तो इस तरह की कमज़ोरी या क्रैम्पिंग की वजह से क्रैम्पिंग जो भी होती है इसको कार्बोहाइड्रेट प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी आपने अच्छी तरह याद करना है, इसको लिखना है अगर हो सकते हैं तो इसकी इस तरह की डायग्राम जिस तरह की मैंने अभी बना के दिखाई थी, इस तरह की डायग्राम बना सकते हैं तो ये भी बना के मुझे चेक करवा दें।